जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक पेज पर जो है अभी कहीं पर भी जो है नेम चेंज करने का जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ पर भी जो है क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है नेम चेंज करने का ऑप्शन जो है आपको कहीं पर जो है दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक उसी प्रकार आप जो है फेसबुक प्रोफाइल पर भी जो है नेम चेंज करने का ऑप्शन जो है नहीं दिखाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूं कि फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल का जो है नेम कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप फेसबुक पेज को जो है न्यू पेज में जो है कन्वर्ट कर दिए हैं तो आप लोगों को नेम चेंज करने के लिए अलग तरीका जो है अपनाना होगा। अगर आप प्रोफाइल को जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज कर दिए हैं तो नेम चेंज करने का तरीका जो है अलग हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में जो हम दिखाने वाला हूँ कि फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल का जो है नेम कैसे चेंज किया जाता है। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बार्मा टेच। आप अगर चैनल बनाया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का नेम चेंज करने के लिए आप लोग फेसबुक को जो है ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम फेसबुक को जो है ओपन कर लिए हैं। फेसबुक ओपन कर देने के बाद आप लोग अपने पेज पर जो है लॉगिन हो जाइएगा। पेज पर जब लॉगिन होने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो आप लोग को इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बार्मा स्पॉट जो है फेसबुक पेज है, तो आप लोग को इसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जो है नेम चेंज करने के लिए जो है नेम वाला ऑप्शन जो है आ गया है। तो हमें इसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जो भी फेसबुक का नेम रखना चाहते हैं वह नेम यहाँ पर जो है इंटर कर दीजिएगा। फेसबुक यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा है कि एक बार अगर आप नेम चेंज कर देते हैं तो 7 दिनों बाद आप दोबारा जो है नेम जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है यूज नहीं करना है। इसके बाद रिव्यू चेंज वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। अगर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का जो है नेम चेंज करना है, अपने अकाउंट का जो है नेम चेंज करना है, तब फेसबुक को जो है ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए हम फेसबुक को जो है ओपन कर लिए हैं। ओपन कर देने के बाद आपको अपना यहाँ पर जो है प्रोफाइल जो है लॉग इन कर लेना होगा। तो चलिए ये हमारा जो प्रोफाइल है जो हम प्रोफाइल पर जो है स्विच हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने आप प्रोफाइल का जो है नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो आप लोग को इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग सेटिंग वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अकाउंट के नीचे में यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन पर जो है आप लोग क्लिक कीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है नेम का ऑप्शन जो है आ गया है कि ये जो नेम है आपका फेसबुक जो है पर जो है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी नेम रखना चाहते हैं वो नेम यहाँ पर जो है इंटर कीजिएगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर जो है इंटर कीजिएगा। अगर आपका जो लास्ट नेम है यहाँ पर इंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि अगर आप एक बार जो है फेसबुक प्रोफाइल का जो है नेम चेंज कर देते हैं तो 60 दिनों बाद आप दोबारा जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है यूज नहीं करना है फेसबुक अगर प्रोफाइल का अगर आप नेम चेंज कर रहे हैं तो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करें। मन में भी डाउट चल रहा हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं।